जब गुरु के आगे भरतनाट्यम सीखने की जिद पर अड़ गई थी वहीदा रहमान। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। 16 जुलाई को देश भर में सभी लोगों ने गुरु पूर्णिमा मनाई। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा और सम्मान करते हैं। गुरु हर क्षेत्र में महत्व रखता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीदा रहमान बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और भरतनाट्यम डांसर है। उन्होंने उस दौर में इसे सीखना शुरू किया था जब मुस्लिम परिवारों में ये अच्छा नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि शुरुआत में उनकी गुरु ने भी उन्हें अपनी शिष्या बताने से इनकार कर दिया था। वहीदा को बचपन से ही भरतनाट्यम का शौक था और वो अक्सर अपनी अम्मी से जिद करती थी कि उन्हें किसी अच्छे उस्ताद यानी गुरु से तालीम दिलवाई जाए। उनकी अम्मी रूढ़िवादी विचारधारा की नहीं थी, फिर भी मुस्लिम परिवार से होने के नाते उन्होंने अपनी बेटी की बात टालने की कोशिश की। हालांकि जब वहीदा जिद पर अड़ी रही तो उनकी अम्मी उन्हें भरतनाट्यम के मशहूर गुरु जयलक्ष्मी अलवा के पास ले गई। वहीदा ने जब जयलक्ष्मी अलवा को सलाम किया तो उन्होंने पूछा, मुस्लिम हो? जवाब हाँ में मिला। इसके बाद जयलक्ष्मी जी ने कहा, मैं मुस्लिम को भरतनाट्यम नहीं सिखाती, 4 दिन सीखोगी फिर घर और खानदान के डर से सीखना बंद कर दोगी। मैं ऐसी शिष्या को नहीं सिखाती जो तालीम अधूरी छोड़ दे। जब गुरुजी ने भरतनाट्यम सिखाने से इनकार कर दिया, वहीदा की जिद के आगे गुरुजी झुक गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने उनसे जन्म कुंडली मंगवाई और कहा कि अगर कुंडली में हुआ कि तुम मुझसे सीख कर काबिल बनोगी तो ही मैं तुम्हें भरतनाट्यम सिखाऊंगी। वहीदा के पास कुंडली नहीं थी और ना ही ला सकती थी, लेकिन भरतनाट्यम सीखने की उनकी जिद बरकरार थी। तब गुरुजी ने उनसे उनकी जन्म तिथि, समय, स्थान समेत सारी जानकारी ली और कहा, तुम कल आना, मैं खुद ही कुंडली बनाकर देख लूंगी, फिर फैसला करूंगी। जयलक्ष्मी अलवा ने रात भर मेहनत की और फिर वहीदा की जन्म कुंडली बनाई। अगले दिन शाम को जब वहीदा वहां पहुंची तो गुरुजी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनका व्यवहार एकदम अलग था, ये देख वहीदा और उनकी माँ हैरान थी। तब गुरुजी ने कहा, कल से तालीम लेने आ जाना, मैंने देख लिया, पढ़ लिया, तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि तुम मेरा नाम रोशन करोगी और भरतनाट्यम का मान भी रखोगी। इसके बाद वहीदा के भरतनाट्यम का सफर शुरू हुआ। 22 जुलाई 2015 को 81 ईयर्स की उम्र में जयलक्ष्मी अलवा जी का निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।